गोवा में रंगरलिया मनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के निलंबित एमएलए महेंद्र सिंह जमानत मिलने के बाद सीतापुर लौट आए हैं और लौटने के साथ ही किया है अपनी ताकत का प्रदर्शन। महेंद्र सिंह ने अपने हजारों समर्थकों और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, इसके साथ ही उन्होंने खुद को विपक्षियों की साजिश का शिकार भी बताया। जेल से छूटने के बाद अय्याश नेता का शक्ति प्रदर्शन, असलहों के साथ रंगीन मिजाज एमएलए का स्वागत, खुली जीप में बैठे इस शख्स को जरा गौर से देखिए, ये महेंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी के सीतापुर से विधायक, वही विधायक जिन्हें गोवा के एक होटल में रंगरलियां मनाते पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ये जनाब जमानत पर रिहा होने के बाद सीतापुर लौट आए हैं। लौटे भी तो ऐसे जैसे कोई जंग जीत कर लौटे हूँ, मानो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लौटे हूँ। जरा देखिए कैसे इनके समर्थक इनकी शान नारे लगा रहे हैं। असलहों का खुलेआम मुजाहिरा कर अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। कानून तो मानो इनके लिए गाड़ियों के साथ उड़ने वाली धूल, लिहाजा खुलेआम नियम कानून को धता बता रहे हैं। कॉलगर्ल के साथ गुलछर्रे उड़ाने के आरोप जेल की हवा खा चुके विधायक महेंद्र सिंह के समर्थक। महेंद्र सिंह का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इनके समर्थकों का जोशो खरोश भी शबाब पर पहुंच रहा था। रास्ते में जगह जगह महेंद्र सिंह के स्वागत के लिए खासा इंतजाम भी किया गया था। जहाँ कहीं भी नेताजी की गाड़ी रुकती, समर्थक इन्हें फूल मालाओं से लाद देते। अब जरा एक बार फिर सीतापुर के इस समाजवादी विधायक से आपका परिचय करा दे तो, ये नेताजी सीतापुर की सेवता सीट से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं। मुलायम सिंह के समाजवाद पुराने झंडा बरदार हैं महेंद्र सिंह, लेकिन हाल ही में इन्हें गोवा में अपने कुछ साथियों के साथ एक होटल में गुलछर्रे उड़ाते गिरफ्तार किया गया था। महेंद्र सिंह को एक दो नहीं बल्कि छह छह कॉलगर के साथ रंगरलियां मनाते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब विधायक जी को गोवा पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया है, लिहाजा घर लौट आए हैं और लौटने के बाद अलाप रहे हैं वही पुराना राग जो हर मुजरिम जुर्म करने के बाद अलापता है। मेरी चार बार की जीत किसी को हजम नहीं हो रही है, चार चार बार से जीत रहा हूँ। मेरा कोई कद बड़ा नहीं है, देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लगता हूँ। ये जीत किसी को, जो हमारे विरोधी है उनको रास नहीं आ रही है, मैं इसी साजिश का शिकार हूँ। लगे हाथ विधायक ये वादा भी कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर आरोप साबित होते हैं तो आज ही मैं आप लोगों के सामने ये वचन देता हूँ कि राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल इनकी करतूतों का खुलासा होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, जिसका इन्हें बेहद अफसोस भी है, लेकिन अफसोस उस अय्याशी पर जरा सी भी नहीं जिसके चलते यूपी के पूरी दुनिया में इनकी जगह साई हुई। बसंत मिश्रा, सीतापुर, न्यूज 24।